प्रदेश में जींद उपचुनाव को लेकर सियासी दलों ने कमर कस ली है और एक दो दिन में सभी दल यहां उम्मीदवार का ऐलान कर देंगे। पार्टी सूत्रों के माने तो बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों में सबसे ऊपर कृष्ण मिड्डा का नाम है। कृष्ण मिड्डा पूर्व विधायक के बेटे हैं और इनेलो से बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी में जींद उपचुनाव के लिए सबसे मजबूत दावेदार उन्हीं को माना जा रहा है। वहीं दावेदारों की सूची में बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी सुरेंद्र बरवाला, सीएम पर्सनल असिस्टेंट राकेश गोयल, कंडेला खाप के प्रधान टेकराम कंडेला और बीजेपी के प्रदेश सचिव जवाहर सैनी का नाम है। पूरी है और बहुत जल्दी प्रदेश की चुनाव समिति बैठ करके और उम्मीदवार का फैसला करेगी और मैं समझता हूं कि जींद का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हमने 5 निगम के चुनाव जीते हैं उसी प्रकार से भारी बहुमत के साथ हम ये चुनाव जीतने वाले हैं। इस उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के लिए गुटबाजी की समस्या खड़ी है। दरअसल कांग्रेस 3 गुटों में बटी है। ये गुट तंवर गुट, हुड्डा गुट और रणदीप सुरजेवाला गुट है। गुट में बटी कांग्रेस में दावेदारों की फेहरिस्त लंबी है। पार्टी सूत्रों की माने तो तंवर गुट के प्रमोद सहवाग जो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, वहीं ब्राह्मण नेता रघुवीर भारद्वाज का नाम दावेदारी में है। वहीं हुड्डा गुट से पूर्व मंत्री के बेटे अंशुल सिंगला, सुरेश गोयत और बलजीत रेणु अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। साथ ही रणदीप सुरजेवाला गुट से पूर्व बसपा प्रत्याशी सुधीर गौतम जींद उपचुनाव के लिए अपनी दावेदारी जता रहे हैं। वहीं कांग्रेस का भी कहना है कि एक दो दिन में उम्मीदवार का ऐलान हो जाएगा। उम्मीद जींद उपचुनाव में कांग्रेस की जीत, अगला विधायक जींद का कांग्रेस का होगा और पूरी तैयारी हमारी है। हम प्रक्रिया जो संगठन की होती है उम्मीदवार चयन की वो हमने शुरू कर दी है और मैं समझता हूँ कि सारे साथी मिल करके 28 तारीख तक वहीं लगेंगे और सरकार को खुली चुनौती है। उनकी दूसरी जो सहयोगी पार्टियाँ भी हैं, उनकी बी टीम सी टीम भी जो तैयार हुई है कि आओ मैदान में। अभी तक तो दूसरा मामला था लेकिन अब असली महाभारत अब होगी। कांग्रेस की भी अभी मीटिंग होगी और उसके अंदर सारा पूरा बैठ के डिस्कस करने के बाद जो है फिर इसके ऊपर बातचीत करी जा सकेगी और वो मीटिंग के जो है अभी ये मेरे ख्याल में 2-4 दिन के अंदर अंदर मीटिंग हो जाएगी हमारी। वही इस उपचुनाव को लेकर इनेलो के लिए हालात मुश्किल भरे हैं क्योंकि इनेलो के पूर्व विधायक के बेटे बीजेपी में जा चुके हैं। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि टिकट बसपा के पास जाए और उम्मीदवार सुबेर चाबरी हों। वहीं इनेलो की महिला विंग अध्यक्ष सुमित्रा देवी भी अपनी दावेदारी टिकट के लिए कर रही हैं। साथ ही जुराना से विधायक परमिंदर ढुल के बेटे रविंद्र ढुल का नाम भी संभावित उम्मीदवारों में है। लेकिन पार्टी सूत्र बताते हैं इनेलो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और जाहिर है बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम का ऐलान होने के बाद ही वो कोई फैसला लें। उधर जननायक पार्टी भी इस चुनाव में उतरने का मूड बना रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जींद के इस रण के लिए जननायक पार्टी के संभावित उम्मीदवारों में पूर्व मंत्री और 4 बार के विधायक मांगेराम गुप्ता का नाम सबसे आगे है, लेकिन वो अपने बेटे महावीर गुप्ता के लिए टिकट मांग रहे हैं। इसके अलावा युवा इनेलो नेता प्रदीप गिल और लक्ष्मी नारायण बंसल का नाम दावेदारों में है। जींद में मीटिंग भी बुलाई हुई है, वहाँ सब साथियों से सलाह मशवरा करके और जल्दी घोषित कर देंगे उम्मीदवार भी। चुनावी तैयारी निरंतर चली रही है, पार्टियां चेहरे बनाती है और जननायक चौधरी देवीलाल ने सदैव चेहरे बनाए, तो जिसको भी पार्टी समर्थन करेगी, जिसको मदद करेगी, जिसको आगे रख करके चुनाव लड़ेगी वो अपने आप ही चेहरा है। दरअसल 1,69,203 वोटरों वाली सीट पर 1,07,000 शहरी वोटर्स हैं जबकि 62,203 ग्रामीण वोटर्स हैं, जिसमें 45,000 जाट वोट, 46,000 ओबीसी, 38,000 एससी, 12,000 पंजाबी, 12,000 ब्राह्मण और 11,000 बनिया और 5,000 मुस्लिम अन्य वोटर्स हैं। ऐसे में सभी पार्टियां यहां इस सियासी आंकड़े को साधने में जुटी हैं। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज़।